حملته هيك هونك السيارة. हेलो बच्चों नमस्कार, मैं एससी शुक्ला पीजीटी इकोनॉमिक्स केंद्रीय विद्यालय पुष्प विहार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग जल्दी जल्दी आ जाएं जिससे हम लोग क्लास शुरू कर सकें। बच्चों आज की क्लास का टॉपिक है ब्रिटिश इंपैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर। हम लोग आज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत इस बात का अध्ययन करेंगे कि किस तरह से अंग्रेजों ने अपनी नीति से हमारे देश की औद्योगिक व्यवस्था को प्रभावित किया, किस तरीके से हमारे देश की जो उद्योग की आधारशिला थी उसको तोड़ी। इन सब चीज़ों के बारे में हम सभी लोग विस्तार से ठीक 2 बजे से चर्चा शुरू करेंगे। आप लोग जल्दी से जल्दी आकर ज्वाइन करें, प्लीज़ कम एंड ज्वाइन। एट लीस्ट यू मस्ट हैव पेन एंड पेपर सो दैट यू कैन नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। सो प्लीज़ हरी अप एंड ज्वाइन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑन इकोनॉमिक्स। सभी बच्चों से अनुरोध है कि जल्दी जल्दी आ करके वो सभी लोग क्लास से जुड़ें और हम लोग अपनी चर्चा शुरू करें। बच्चों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अंग्रेज हमारे यहाँ लगभग 200 साल तक उन्होंने राज किया और किस तरह से उद्योग क्षेत्र का एक्सप्लॉयटेशन किया उन्होंने, उसके पीछे के उनके क्या उद्देश्य थे और फिर उसका व्यापक स्तर पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग स्टडी शुरू नहीं किए हैं बच्चों, अभी जस्ट आई एम वेटिंग यू ऑल, नॉट स्टार्टिंग, सो डोंट वरी, विल स्टार्ट एट 2 or 3 PM। हम लोग 2 बजे से 3 बजे तक लाइव रहेंगे लेकिन हम अपनी क्लास 2:03-2:05 पर स्टार्ट करेंगे जिससे आप सभी लोग आ जाएं और ज्वाइन कर सकें। सो आई होप कि ऑडियो और फिगर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सभी लोग जो भी आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन उसे आप वहां पर लिख सकते हैं। हम अगर लाइव सेशन में उसका आंसर नहीं देंगे, नहीं देख पाएंगे तो बाद में अवश्य देंगे। आप लोग निश्चिंत हो करके ज्वाइन करें क्लास और हम 2:05 से अपनी क्लास लेंगे। 5 मिनट का और वक्त आप लोगों के पास है जिससे हम सभी लोग क्लास को शुरू करें और बिगनिंग से सभी लोग ध्यान से उसको इम्बाइब करने की कोशिश करें। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो डियर स्टूडेंट्स बी रेडी विद पेन एंड पेपर so that you can write the important points, you can note down the important points. Further at the last we will discuss some questions regarding the topic that we are going to discuss.
जो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आंसर्स भी होंगे, और जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको सेटल किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। तो ये महज एक इस तरह का कार्यक्रम नहीं है कि वन साइडेड हम बोलते चले जाएं या आप सुनते रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको एड्रेस करेंगे। वी आर हियर ओनली टू एड्रेस योर ऑल प्रॉब्लम रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, सो यू नीड नॉट टू वरी। हैव अ पेशेंस, प्लीज हैव अ नोटबुक पेन सो दैट यू कैन राइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देयर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग आ गए होंगे, और अभी 2-3 मिनट में हम अपनी क्लास शुरू करेंगे बच्चों। तो आप लोग अवश्य पेन पेपर के साथ में रहें। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हमारा टॉपिक है आज का कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश की जो औद्योगिक क्षेत्र था, हमारे देश का जो उद्योग क्षेत्र था, उसको कैसे प्रभावित किया, किस तरह से डी इंडस्ट्रियलाइज किया, उनके उसके पीछे के मोटिव्स क्या थे, और फिर वो किस तरह से हमारे देश की पूरी इकोनॉमी को क्रैक डाउन करने में उसने किस तरह से हेल्प किया, और किसी भी आक्रांता के, किसी भी बाहरी देश के जो किसी दूसरे देश पर अपना शासन या प्रभाव स्थापित करता है, आप जानते हैं कि वो उस देश की अर्थव्यवस्था से उसे कोई लगाव नहीं होता है। उसका मूल मकसद केवल और केवल उस देश के संसाधनों का दोहन करके अपने देश के संसाधनों को जोड़ना और अपने देश की डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में सोचना। तो हम सब इन सब चीजों के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। डीन सिस्टमैटिक डीन इंडस्ट्रियलाइजेशन करके अंग्रेजों ने किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से नुकसान पहुंचाया, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे उसके पीछे, और क्या क्या रीजन्स थे, वी विल डिस्कस ऑल अबाउट। सो यू प्लीज कम विद पेन एंड पेपर टू नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर जो चीजें यहाँ पर हम लोग बच्चों डिस्कस कर रहे हैं उसका अगर 25% भी आपके दिमाग में रहे या उसको आप इम्बाइब कर पाए, तो ये मान लीजिए कि हम सभी के लिए और आप लोगों के लिए भी ये एक उपलब्धि भरा सेशन होगा। तो आप लोग इसे कतई लाइटली ना लें, आपको कम से कम एक धारा, एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की धारा आपको मिल जाएगी, और आप एक आपके मन में एक तरह का पिक्चर बन जाएगा कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश की इंडस्ट्रीज को नष्ट किया। बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश की इंडस्ट्री, हमारे देश में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, दैट वाज बेस्ड ऑन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को उन्होंने कैसे खत्म किया, किस तरह से उसको एक्सप्लॉयट किया और हमारे देश के लोगों को बेरोजगार बना दिया, इन सब चीजों पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। सो प्लीज बी रेडी एंड आई होप इट इज अ टाइम टू स्टार्ट। सो प्लीज गेट रेडी ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज आप देखें ये आज 13/4/20 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और क्लास 12th है ब्रिटिश इंपैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर। किस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर पर आई थिंक कि आप देख पा रहे होंगे। ओके तो बच्चों हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। बच्चों आप लोग जानते हैं
कि ब्रिटिश पॉलिसीज के कारण ही हमारे औद्योगिक क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई। दे सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रीज वेयर अलाउड टू कम अप। उन्होंने किस तरह से व्यवस्थित तरीके से एक मतलब सिस्टमैटिक तरीके से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने कैसे डैमेज किया, और डैमेज किस तरह से किया, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था तो हस्तशिल्प उद्योग पर आधारित थी, तो उन्होंने डिसाइड किया क्यों ना हम इस हस्तशिल्प उद्योग को ही नष्ट कर दें, जिससे और नई किसी भी इंडस्ट्रीज का यहाँ पर ओपन न करना। तो आप इस तरह से समझें, उनकी जो टू फोल्ड देयर वाज एक्चुअली टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। उनके दो उद्देश्य क्या थे, फर्स्ट टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट एंड रिड्यूस इंडिया टू अ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो देयर प्राइम ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज टू रिड्यूस इंडिया टू अ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, यानी भारत को एक कच्चे माल के निर्यातक के रूप में सीमित कर देना था, और यहां से सस्ते दर पर हमारे संसाधनों को अपने देश में भेजना था। अगर आप देखें तो इस काम को करने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया कि रॉ मटेरियल हमारे यहां से उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव था लेना, जिससे कि हमारा देश एकमात्र रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर कंट्री के रूप में रिड्यूस हो गया, उसकी पहचान रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर के रूप में हो गई। दूसरा ऑब्जेक्टिव था उनका बच्चों कि जो रॉ मटेरियल्स हमारे यहाँ से जाते थे वो कन्वर्ट होते थे ब्रिटिश मशीन्स में, फाइनल गुड्स में, एंड फर्दर दे वेयर सोल्ड इन इंडियन मार्केट एट हाई रेट्स। उन चीजों को वहां पर बना करके उन्होंने हमारे देश में उसको मार्केटाइज किया और ऊंचे दामों पर उस लोगों में बेचा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम एट दैट टाइम। आवर रॉ मटेरियल्स वेयर एक्सपोर्टेड एट चीप रेट एंड वाट एवर फिनिश्ड गुड्स वेयर कन्वर्टेड फ्रॉम दैट रॉ मटेरियल्स वेयर एक्सपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया टू सेल एट हाई रेट्स। यू जस्ट इमेजिन कि आपके संसाधन को लेकर के, और या तो बिल्कुल पैसा नहीं देना, या तो देना तो बहुत कम देना, यानी बहुत कम रेट पर हमारे संसाधनों से ही उन्होंने फाइनल गुड्स, फिनिश्ड गुड्स बनाए और फिर हमारे ही देश में हमारे हम लोगों को बेच दिया ऊंचे दर पर, जिसके कारण हमारे यहां वो चीज हम लोग नहीं ले पाए। हम समझ सकते हैं वीडियो की फॉर इट, आई एम ट्राइंग टू मेक इट क्लियर, सो प्लीज आई होप कि अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये बेहतर होगा, और वीडियो ऑडियो पर ज़्यादा अभी जो है ध्यान दें प्लीज। आई होप कि ऑडियो शुड बी क्लियर, आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम है बच्चों, इसलिए जो है थोड़ा सा हम सभी लोगों को एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। अब दूसरी चीज है बच्चों कि उनका जो टू फोल्ड मोटिव था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे, जिसे हमने आप लोगों को बताया कि पहला था कि भारत से सस्ते दर पर रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर लेना, और दूसरा उन्हीं रॉ मटेरियल्स की मदद से
फिनिश्ड गुड तैयार करके भारत में उसे ऊंचे दामों पर बेच देना। ये उनका टू फोल्ड मोटिव था बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसे आप लोग जरूर नोट रखें। फिर उसके बाद बच्चों, उनकी इस पॉलिसी से क्या एक्चुअली इफेक्ट हुआ, व्हाट एक्चुअली इंपैक्ट इट क्रिएटेड ऑन द होल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। नंबर वन, सबसे पहला नंबर जो इसका इंपैक्ट हुआ वो हमारे देश की जो हैंडीकैप्ड इंडस्ट्रीज थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरह से डिक्लाइन कर गई, उसको हैंडीकैप्ड बना दिया। हैंडीक्राफ्ट को दे कन्वर्टेड आवर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इनटू हैंडीकैप्ड, यानी कि हमारे हस्तशिल्प को उन्होंने एक विकलांग शिल्प में आप कह सकते हैं कि कन्वर्ट कर दिया। अब अगर बच्चों आप देखें कि इस हस्तशिल्प उद्योग को किस तरीके से इसको सिस्टमैटिकली नष्ट किया गया, उसके पीछे पांच प्रमुख कारण हैं। देयर आर फाइव रीजंस बिहाइंड यू नो सिस्टमैटिकली डिग्रेडेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। पहला सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बच्चों, जो हमारे देश से यानी टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, दैट द टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इनटू इंडिया अलोंग विद हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। ये देखिए, इस चीज को पहले समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारे यहां से रॉ मटेरियल जाता था उस पर उन्होंने टैरिफ फ्री कर दिया। उसको टैरिफ फ्री करने का मतलब कि अब वो वहां जाकर के और सस्ता हो जाता था। उसके पश्चात जो चीजें वहां से हमारे देश में आनी होती थी, जैसे ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, उनको टैरिफ फ्री भी उनको भी कर दिया, जिससे वो यहां पर और सस्ती हो जाएं, उनको सस्ता दर पर यहां पर भेजने को मिले और हमारे जो हाथ से बने हुए सामान थे उनसे वो कॉम्पीट कर सकें। अब इसके साथ ही साथ बच्चों, उन्होंने क्या किया कि जो हमारे यहां से हस्त शिल्प उद्योग थे यानी हाथ से जो बनी हुई चीजें थी उस पर उन्होंने हैवी ड्यूटी भी लगा दिया। जो हाथ से बनी हुई चीजें हमारे यहां से एक्सपोर्ट होती थी उस पर उन्होंने हैवी ड्यूटी इंपोज कर दी। उसका परिणाम ये हुआ कि अब जो हमारी हाथ से बनी हुई चीजें थी वो बाहर विदेशों में महंगी होने लगी। तो आप जानते हैं इकोनॉमिक्स का रूल है कि कोई व्यक्ति कभी-कभी अगर क्वालिटी से समझौता तो दूसरा पहलू होता है, लेकिन सबसे पहले व्यक्ति सस्ती चीजों के लिए ही दौड़ता है। क्वालिटी बाद में देखी जाती है, और क्वालिटी देखते कौन है, जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन सोसाइटी आर नॉट रिच पीपल। दैट इज वाई फर्स्ट ऑफ ऑल इन मार्केट ओनली प्राइस इज टेकन इनटू अकाउंट बिफोर परचेजिंग। सो तो लोग प्राइस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और यही अंग्रेजों ने क्या किया कि हमारे देश की बनी हुई चीजों की प्राइस को वहां विदेशों में बढ़ा दिया, जिससे अब उनके खरीदार बहुत कम हो गए। नंबर दो पर बच्चों, कि जिस तरह से उन्होंने अपने देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था, तो कॉस्ट एंड गुड क्वालिटी मशीन मेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन गेव अ वेरी टफ कंपटीशन टू इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन। हमारे जो भी मतलब ब्रिटेन में जो मशीनों से बन रहा था सामान, वो सारी की सारी चीजें
इतनी सस्ती थी कि उसका मुकाबला हमारे देश के जो हाथ से बनी हुई चीजें थी वो नहीं कर पा रही थी। इसलिए उनके बारे में हमारे जो सामान थे वो कंपटीशन उनके सामान से नहीं कर पा रहे थे। तीसरे पॉइंट्स पर अगर आप आए बच्चों, तो अंग्रेजों के शासन के समय बहुत सारे अंग्रेजों के शासन के पहले बहुत सारे जो नवाब और राजा हमारे देश में होते थे वो हस्तशिल्प उद्योग को अपने राजभवन में राजमहल में बहुत इम्पोर्टेंस देते थे और उनको लोगों को अपनी जगह उनको अपने स्थान देते थे जिससे उनके हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा मिल सके। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों का शासन आया और ये जो नवाब राजा लोग थे इनके ये खात्मे पर आ गए और जिससे उनको पैट्रोनाइज करना अब आसान नहीं रहा, तो उन्होंने राजाओं के कारण राजाओं के पैट्रोनेज न देने के कारण अब हस्तशिल्प उद्योग और बुरी स्थिति में आ गया, जिसके कारण इंडियन हैंडीक्राफ्ट की डिमांड पूरे दुनिया से कम होने लगी। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी थे अंग्रेजों के आने के बाद जो अंग्रेजी स्टाइल और अंग्रेजी लाइफ स्टाइल को अपनाए, तो इस कारण से उनमें अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई वस्तुएं जो मशीन मेड थी उसकी डिमांड बढ़ी और उन्होंने उसको यूज करना शुरू किया, तो भी उसके कारण हमारे यहाँ की जो हस्तशिल्प उद्योग था वो चौपट हुआ। और सबसे लास्ट बच्चों, विकास की अवधारणा के साथ साथ जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हमारे यहाँ रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ, इसने ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाना सुनिश्चित किया, और तो उनकी जो इंडस्ट्रीज थी, जो उनके इंडस्ट्रीज से बने हुए सामान थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे और उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और हमारे यहाँ के हस्तशिल्प जो थे, हाथ से बनी हुई जो चीज़ें थी उसको लोग पसंद नहीं करते थे, इसलिए कि वो महंगी थी, उन्हें सस्ती दरों में अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए सामान उपलब्ध थे, तो एक ये भी कारण था। अब अगर आप बच्चों देखें तो इन चार पांच कारणों के अलावा हमारी हस्तशिल्प उद्योग किस तरह से पूरी तरह से वो विलुप्त तो नहीं हुआ लेकिन बहुत उसमें गिरावट आ गई। अब इस गिरावट के कारण जो एडवर्स इम्पैक्ट आए उसमें सबसे पहला था कि लार्ज लेवल पर लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। जो लोग हस्तशिल्प उद्योग में वीविंग के काम में और कॉटन टेक्सटाइल्स में लगे हुए थे उन सबों का काम छूट गया और वो बेचारे बेरोजगार हो गए। उसके बाद ये बेरोजगारी के कारण ये फिर अगेन दे माइग्रेटेड फ्रॉम अर्बन एरियाज टू विलेज एरियाज। तो व्हाट हैपेंड लेटर, इट इंक्रीजेस द बर्डन ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर इन विलेजेस। इस माइग्रेशन ने फ्रॉम अर्बन एरिया टू रूरल एरिया इंक्रीज द बर्डन ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर इन विलेजेज। नंबर 3, कंज्यूमर डिमांड इन द इंडियन मार्केट कुड नॉट बी मेट बाई द सप्लाई ऑफ लोकली मेड गुड्स विच एनकरेज द इम्पोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। क्योंकि जो ब्रिटेन से सामान आ रहे थे उसका मुकाबला हमारे यहाँ जो बनी हुई चीजें थी वो नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप देखें तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ की किस तरह से उसका डिक्लाइन हुआ, कैसे उसमें गिरावट आई और उसके लिए अंग्रेजों ने क्या-क्या किया। तो आई होप कि आप जो है
इस पॉइंट को, यानी डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये एक पॉइंट था। नंबर टू, दूसरा पॉइंट है स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों के पीरियड में जो इंडस्ट्रीज की ग्रो करने की रेट थी, दैट वाज वेरी स्लो, एंड एट दैट टाइम द इंडस्ट्रीज वे आर नॉट बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन अ लार्ज नंबर। बड़ी संख्या में इनकी एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो रही थी। उसके पीछे का कारण ये था कि हमारे यहाँ जो भी इंडस्ट्रीज थी, टेक्सटाइल और जूट की, वो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, मेनली इन महाराष्ट्र एंड गुजरात में थे। ऑन द अदर हैंड, जूट मिल्स इन बंगाल वेयर एस्टैब्लिश्ड मेनली बाय ब्रिटिश कैपिटलिस्ट, वो भी जो एस्टैब्लिश हुए भी थे उसको भी ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश किया था। लेकिन द क्रेडिट फॉर बिगनिंग, यू नो, टू एस्टैब्लिश अ फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी गोज टू टाटा जमशेद जी, हु एस्टैब्लिश्ड दिस टिस्को, दैट इज इन अगस्त 1907। उन्होंने टिस्को की स्थापना 1907 में की और जो काम करना 1912 से शुरू किया। टिस्को वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1907 बाई जमशेद जी टाटा और इसने फंक्शनिंग शुरू की 1912 से। तो ये एक बेसिक और हैवी इंडस्ट्री थी जिसका इस्टैब्लिशमेंट हुआ, और फर्दर इट पेव्ड द वे टू इस्टैब्लिश सो मेनी अदर एंसिलरीज इंडस्ट्रीज देयर। तो इस तरीके से आप देखें कि उस समय का जो दौर था वहां पर स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज था। मॉडर्न मतलब आधुनिक जो उद्योग थे उनमें उनका ग्रोथ नहीं। उसके बाद बच्चों, अगर आप देखें तो लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, उस समय ऐसी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज भी नहीं थी, हमारे यहां तो थी ही नहीं, और अंग्रेजों ने उसको इस्टैब्लिश करने का कोई उद्यम भी नहीं किया। और वो उद्यम भी क्यों करते, क्योंकि उन्हें तो यहाँ से रॉ मटेरियल्स ले जाना था, यहाँ की संसाधनों का एक्सप्लॉयटेशन करना था। तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फर्दर गुड प्रोडक्शन में काम आते हैं, जैसे मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स एटसेट्रा। और सबसे लास्ट बच्चों, जो स्टेट का, जो सरकार का एक रोल होता है किसी देश की इंडस्ट्री को बूस्टअप करने का, इंडस्ट्री इस्टैब्लिशमेंट का, उसको खाद पानी देने का, उसका भी पूरी तरह से अभाव था। इट वॉज वेरी लिमिटेड एंड कन्फाइंड टू द एरियाज विच इन्हेंस द साइज ऑफ मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इन इंडिया। उन्हीं इंडस्ट्रीज को यहां पर बढ़ावा मिलता था जो ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रीज को लिए के लिए इनडायरेक्टली बेनिफिशियल हो, जो उनको हेल्पफुल हो, अदरवाइज वो और भी किसी क्षेत्र में इस तरह से कोई उनका मकसद नहीं था कि स्टेट ओरिएंटेड कोई इंडस्ट्री इस्टैब्लिश की जाए। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एग्जिबिटेड बैकवर्डनेस एंड लॉपसाइडेड ग्रोथ, ये एंड टू मेन ड्रॉबैक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, वेयर इस समय जो मतलब औपनिवेशिक शासन के टाइम पर जो उनके दो ड्रॉबैक थे जिनके कारण हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्टअप नहीं मिल पाया, वो कि ग्रोथ ऑफ रॉ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज वेरी स्मॉल। बच्चों, आप जानते हैं कि जीडीपी में हमारे इंडस्ट्री का उस समय बहुत ही कम परसेंटेज था, और उसके बाद देयर वॉज वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द कंट्री। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टेट मतलब पार्टिसिपेशन था ही नहीं, कोई सरकार की कोई इस तरह की इंडस्ट्री नहीं थी, तो पब्लिक सेक्टर का उद्भव उस समय नहीं हो पाया था। वो क्या क्या थे, पब्लिक सेक्टर में कौन कौन सी चीजें थी, जैसे रेलवे,
पावर जनरेशन, कम्युनिकेशंस, पोर्ट्स और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो किस तरीके से सिस्टमैटिकली हमारे देश में इंडस्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल्स यहाँ से लेना, वहाँ से बनी हुई फिनिश्ड गुड के लिए, इस इंडिया को मार्केट के रूप में केवल यूज किया गया। तो हमें एक चीज, दो तीन चीजें इसमें समझने की जरूरत है बच्चों, कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारे यहाँ की बैकबोन इंडस्ट्री थी, जिस पर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री वॉज डिपेंडेंट। मेनी मोर पीपल वेयर यू नो एम्प्लॉयड इन दिस एरिया एंड दे वेयर रनिंग देयर फैमिली, बट विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इट गॉट पेरिस्ड एंड नाउ दे यू नो डी इंडस्ट्रियलाइज आवर कंट्री। तो इन पर जो है हमें, अब अगर आप एक देखें, हम दो तीन चीजें आप लोगों से और इस मामले में डिस्कस करना चाहते हैं कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का पर्पज उनका केवल इतना था कि हमारे देश से रॉ मटेरियल को ले जाना और वो भी सस्ते रेट पर, और फिर उस रॉ मटेरियल्स को अपने यहां फैक्ट्रियों में फिनिश्ड मटेरियल में कन्वर्ट करना, फिर हमारे यहां हमारी मार्केट में डंप कर देना, डंपिंग करना वो भी बहुत हाई रेट पर। तो आप समझ गए होंगे उनका टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कि यू नो इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स एट चीप रेट, फर्दर कन्वर्टिंग इट इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड डंपिंग इन इंडियन मार्केट एट हाई रेट्स। ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके बाद बच्चों, अगर आप कैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को नष्ट किया गया, तो पहला रीजन मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमारे रॉ मटेरियल्स को जब वो ले जाते थे तो उसका जो टैरिफ रेट था उसको लो कर दिया गया, और जो वहाँ से चीज़ें आती थी उनको भी, लेकिन यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो हाथ से बनी हुई चीज़ें थी, उन पर उन्होंने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, जिससे वो जा करके विदेशों में महंगी हो गई। वो महंगी हो जाने के कारण लोगों ने उसको खरीदना बंद कर दिया और फिर मशीन मेड चीजों को खरीदना शुरू किया। तो किसी भी ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, जिस देश पर जिस जो जो सरकार है उसे ये सोचना होता है कि किस तरह से हम इंडस्ट्रीज को प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरह से उसको सिक्योर कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको मतलब मैनेज करें कि जिससे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के काम आए, प्रोडक्शन के काम में आए। लेकिन इन सब चीज़ों को अंग्रेजों ने, इन सब चीज़ों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण हमारे यहाँ बहुत ही मतलब जो भी प्रॉब्लम आई अनएम्प्लॉयमेंट की लोगों के सामने, वो बहुत निराशाजनक थी। तो अगर आप देखें तो ये चारों और पांचों रीजन्स के कारण हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को अंग्रेजों ने सिस्टमैटिकली उसको ख़त्म कर दिया। अब बच्चों, मैं चाहता हूँ कि अगर आप देखें तो आपको तीन चार चीज़ें नोट कर लेनी चाहिए। आप तीन चार चीजें यू जस्ट नोट डाउन एटलीस्ट फाइव क्वेश्चंस। नंबर वन, हु एस्टैब्लिश्ड टिस्को, हु एंड व्हेन द टिस्को वाज एस्टैब्लिश्ड। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन या कंपनी, आप एक क्वेश्चन है। नंबर टू,
what was the two-fold objective, two-fold motive of deindustrialization of Britishers? Question number three. Explain any three regions behind the systematic exploitation of handicraft industry. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का व्यवस्थित तरीके से कैसे शोषण किया गया, कैसे उसको खत्म कर दिया गया, उसके लिए तीन कारण आप बताएं। नंबर फोर क्वेश्चन, भारत इंडिया में हैवी इंडस्ट्री भारत में हैवी इंडस्ट्री का कंसंट्रेशन अंग्रेजों के समय में किस क्षेत्र में था, और कोई ऐसे दो इंडस्ट्रीज के नाम बताएं जो उस समय थे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन, टैरिफ और ड्यूटी में क्या बेसिक डिफरेंस है, व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन टैरिफ एंड ड्यूटी। अगर आप फिर से सुनना चाहते हैं तो यू मस्ट लिसन प्लीज। व्हाट वाज द, यू नो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी, हाउ ब्रिटिशर्स डी इंडस्ट्रियलाइज्ड आवर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इट्स यू नो टोटेलिटी। नंबर वन, देयर आर टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव मोटिव बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज, नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर मोटिव वॉज टू import raw materials at cheap rate, number two, to convert those raw materials into finished goods and export to India and sell in Indian market at high rates। तो उनके deindustrialization के पीछे के दो objectives क्या थे, number one, raw materials को यहां से सस्ती दरों पर ले जाना और उसको फिर finished good में convert करके हमारे देश में उसको dump कर देना high rate पर, means they were utilizing this country as a market, you know, and exploiting our raw materials to converting it into finished goods, because for running their industries they were extracting raw materials from different parts of our country. So you please try to understand this fact, this was the motive of the deindustrialization behind the, you know, industrial policy of Britishers. Now if you look at how did they, you know, vanish the, how did they, you know, impact on the our handicraft industries, they made it, they converted handicraft into handicapped, you know, they converted our handicraft into handicapped industries. Isko inhone pang bana diya puri tarah se, aur kis tarike se banaya, maine aapko bataya ki jo hamare yahan se raw materials tha us par unhone टैरिफ ड्यूटी, बिल्कुल टैरिफ कम कर दिया, टैरिफ फ्री कर दिया, वहां की चीजें जो बनाते थे हमारे ही रॉ मटेरियल से यहां भेजने के लिए टैरिफ कर दिया कम, उसका
फ्री कर दिया, उसका परिणाम क्या हुआ कि वो चीजें बहुत सस्ती हो गई, लेकिन जो हमारे यहाँ से हैंडीक्राफ्ट जो हस्तशिल्प था उस पर लगने वाली जो ड्यूटी थी उसको बहुत बढ़ा दी, जिससे वो विदेशों में जा करके बहुत महंगी हो गई। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखें कि जब हमारी चीज महंगी हो गई तो वो और जो लोग लेने वाले थे उसके लेने वाले बहुत कम हो गए, क्योंकि अब हमारे उस हाथ से बनाई हुई चीजों में उतनी फिनिशिंग नहीं आती है, लेकिन मशीन से बनी हुई चीजों में बहुत अच्छी फिनिशिंग होती है। सो पीपल यू नो माइग्रेटेड फ्रॉम हैंडी क्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट मटेरियल टू मशीन मेड फिनिश्ड गुड्स। तो ये सबसे बड़ा कारण उस समय की परिस्थितियों में रहा। एंड आई होप कि आप लोग जो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, आप फिर से मैं क्वेश्चंस आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले मतलब कब और किसने टिस्को की स्थापना की, हु एंड वेन द टिस्को वॉज इस्टेब्लिश बाई हुम, आप इसे जरूर जो है देखेंगे। एंड वट वॉज द टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, और आपको कोई तीन रीजन बताने हैं, कोई तीन कॉजेज देने हैं किसके लिए, कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री किस तरह से उसको नष्ट किया गया, अंग्रेजों ने कैसे उसको सिस्टमैटिकली बर्बाद कर दिया। तो आई होप यू हैव टू जस्ट राइट द आंसर, राइट इन योर यू नो कॉपी और नोटबुक, एंड यू नो गाइस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। व्हाट यू हैव टू डू, वेदर यू आर यू नो राइटिंग करेक्टली और नॉट, दैट इज नॉट मैटर, मैटर इज दैट हाउ यू नो रेगुलरली यू आर प्रैक्टिसिंग बैक एट योर होम। सो डोंट अवॉइड टू प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एंड यू नो यू कैन नॉट यू नो अवॉइड दिस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज यू नो नाउ डेज वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ सिलेबस एंड ब्लू प्रिंट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन, दैट एवरी यू नो दिस पेपर विल कंसिस्ट 10 मार्क्स ऑफ ईच यू नो 1 मार्कर क्वेश्चंस। तो एक एक नंबर के जो 10 क्वेश्चंस आएंगे, इन 10 क्वेश्चंस को आपको खोजना, वो आप ऐसे नहीं खोज पाएंगे, आप इसी तरह से एक एक नंबर के क्वेश्चंस, जब तक आप लेक्चर्स नहीं सुनेंगे, जब तक आप ध्यान से बुक की स्टडी नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, वो आपका प्रिपेयर नहीं हो सकता है। हो सकता है 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर लें, लेकिन 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आप बहुत प्रेम से जो चीजें बताई जा रही हैं उसको सुनेंगे और उसको रिवाइज करेंगे, उस पर अपने नोट्स बनाएंगे। अगर आप 90s के रेंज में हैं तो ये जान लीजिए कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज 21 मार्कर क्वेश्चंस नाउ इट हैज बिकम वेरी टफ टू स्कोर 98 99 इन इकोनॉमिक्स नाउ और इन एनी अदर सब्जेक्ट आई एम टेलिंग यू। सो बी क्लियर एंड डोंट टेक इट लाइटली, बी सीरियस। आई होप यू मस्ट ऑल मस्ट हैव एंजॉयड द क्लास। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और हम लोग और आगे इम्प्रूव करेंगे ड्यू टू सम कॉन्स्ट्रेंट्स। अभी हम मतलब जो स्ट्रीमिंग हो रही है इसको बहुत अच्छे से नहीं इम्प्रूव कर पा रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि ऑन ऑफ सडन लॉकडाउन वॉज इम्पोज्ड एंड नथिंग वॉज यू नो एक्सपेक्टेड लाइक दैट, कि हम लोग इतने दिनों तक आप लोगों से या हम लोग मिल नहीं पाएंगे, तो इस कारण से यहाँ तो इस तरह की व्यवस्था है नहीं, बट वी आर ट्राइंग एट आवर लेवल बेस्ट टू डिसमिनेट टू 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 परकोलेट डाउन वॉट वी हैव राइट नाउ एक्चुअली। सो प्लीज वीयर विद द सिचुएशन एंड कोऑपरेट इन गिवेन सिचुएशन सो दैट वी कैन कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स, और ऐसे ही समय में अगर हम लोग सब मिल करके काम करेंगे तो आई होप कि हम लोग विजेता बन करके सामने आएंगे और हम लोग बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, नमस्कार।